जिले के पोहरी नगर परिषद क्षेत्र वार्ड क्रमांक 4 नया गांव में पेट्रोल पंप के पास दो पक्षों में एक प्लाट को लेकर विवाद चल रहा था। इसी विवाद के चलते शासकीय कर्मचारी शिक्षक रमाकांत भार्गव पुत्र रघुवीर भार्गव ने जहर खा लिया। परिजनों ने शिक्षक रमाकांत को तत्काल पोहरी के स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां से उसे शिवपुरी के जिला अस्पताल में भर्ती कराया। जिला अस्पताल में भर्ती शिक्षक रमाकांत भार्गव ने बताया कि उसका एक प्लाट था जिसको लेकर संपूर्ण शर्मा से विवाद चल रहा था, जिसे निपटाने के लिए उसके द्वारा तहसील और नगर परिषद पोहरी में आवेदन भी दिए थे। तहसील से नोटिस जारी होने के बाद तहसील में प्रकरण चल रहा था। आज तहसीलदार सहित प्रशासनिक अमला विवाद को सुलझाने मौके पर पहुंचा था। इस दौरान अधिकारियों के कहने पर वह अपने घर लौट आया। शिक्षक रमाकांत शर्मा का कहना है कि वह लोग उसे मार डालते तो उसने अपने हाथों मारने की सोच जहर का सेवन कर लिया। शिकायती आवेदन आने के बाद कार्यवाही की जाएगी। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। ये धरना प्रदर्शन हम सोच रहे हैं अभ्यारण क्षेत्र को हटाने की मांग कर रहे हैं 32 गांव के लोग। उसके तहत हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए थे। 32 गांव की जो ग्राम पंचायतें हैं वो सभी सरपंच अपने ठहरा प्रस्ताव के साथ में यहां पर अपना ज्ञापन देने आए थे, पर कलेक्टर साहब का जो रवैया था वो बेहद गलत था, इसलिए हम लोग यहाँ रोड पर बैठे। जैसे वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं थे, उस बात को बड़ी शांति से उनको कहना चाहिए था कि मैं वहाँ पर हूँ नहीं और इसके एवज में आपको ये कर लीजिए। हम समझते हैं एक दूसरे का समन्वय बनाना बहुत अच्छी बात होती है। हम आंदोलन कर रहे हैं, हम भी प्रशासन से सहायता की उम्मीद रखते हैं, लेकिन उनका जो रवैया था वो बहुत बेहद गलत था और इसलिए अभी हम यहाँ पे बैठे हैं। देखिए कलेक्टर साहब का कहना है कि मैं यहाँ पर नहीं हूँ, है नहीं है ये तो वो जाने या ईश्वर जाने, लेकिन उनका जो रवैया था वो गलत था। उन्होंने कहा कि आपने मुझे सूचना नहीं दी। हम सिस्टम के तहत एसडीएम को सूचना देते हैं, एसडीएम कलेक्टर साहब को सूचना देते हैं, सारे एसपी साहब से पहले भी एसडीएम से मेरी बात हुई, सारी सूचना इनके पास थी। हमने कहा सर हम एसडीएम को दे चुके थे सूचना। इसके बाद कलेक्टर साहब ने कहा कि सूचना अगर एसडीएम को दी आपने तो जाइए एसडीएम से पूछिए। कोई भी हो आप प्रशासनिक अधिकारी हैं, लेकिन बदतमीजी करने का आपको अधिकार नहीं। बाकी क्या करते हम यहाँ पर बैठे, अगर एसपी साहब हमारा ज्ञापन लेने आते हैं तो ही हम जाम खोल रहे हैं, नहीं तो हम बैठे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।